सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, फिर से आपके लिए मेरे पास है आज काफी ज्यादा लेटेस्ट न्यूज। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और यहाँ जो सबसे पहली धमाकेदार खबर आ रही है, वो आ रही है हर्ष बेनीवाल। जैसा कि हम जानते हैं, हर्ष बेनीवाल अनाउंस कर चुके हैं कि हु केयर जेसिका उनकी कॉमेडी थ्रिलर वीडियो होने वाली है, जल्दी रिलीज होने वाली है। सो उसका एक छोटा सा टीजर कर दिया है हर्ष बेनीवाल ने रिलीज, और टीजर लग रहा है काफी ज्यादा धमाकेदार। तो चलिए देखते हैं टीजर की एक झलक, और फिर बताइए क्या कहते हैं और कितना वेट कर रहे हैं इस वीडियो का। वही दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है यहाँ पर फ्लाइंग बीस्ट को लेकर। दरअसल दोस्तों, फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर द शिवाइक चैनल ने उन्होंने एक एक्सपोज वीडियो बनाई थी, जिसको न्यूज बॉय ने अपनी स्टोरी में शेयर करा था। और जैसे ही उन्होंने स्टोरी में कवर करा, शेयर करा, यहाँ पर शिवाय को काफी ज्यादा हेट मिलने लगी, जिसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि यहाँ पर न्यूज बॉय नियॉन मैन के जो फैंस है, उनके जो फॉलोअर्स है, वो उनको हेट दे रहे हैं और हेटर्स बन चुके हैं। तो काफी ज्यादा परेशान है वो इस चीज से। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताऊं क्या बात है। तो शिवाय ने यहाँ पे बताया था कि फ्लाइंग बीस्ट ने जब रसभरी की चोट लगी थी, तो अपनी बेटी को देखने की बजाय पूरी वीडियो बनाई, सब कुछ करा, और जब उसको हॉस्पिटल ले जाने की बात थी, तब भी उन्होंने कार के टायर चेंज करने को काफी ज्यादा आराम से कैप्चर करे थे। तो इस चीज को लेकर वीडियो बनाई थी, जिसको कवर किया गया और फिर उन्हें हेट मिलने लगी। तो चलिए देखते हैं दास शिवाय की वीडियो की एक झलक, उसके बाद आप बताएं कि आपको दास शिवाय सही लग रहे हैं या फिर गलत। अभी अभी मेरे कमेंट सेक्शन पे इतने सारे गालियां आने लगे और मैं कंफ्यूज हो गया, बिकॉज अक्सर मैं स्क्रॉल करके देखता रहता हूँ क्या कमेंट्स आने, सबको रिप्लाई करना होता है। गालियां जब देखने लगा मैं, बहुत सारे आने लगे, अचानक से बहुत ज्यादा कमेंट आने लगे, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या हो रहा है। फिर पता चला कि भाई जो तुम्हारा है वो न्यूज़ बॉय के न्यूज़ में उसकी वीडियो को कवर किया गया, तो मैं शॉक हो गया। मैं कहा ये तो अच्छी बात है, बट पूरी बात यह है कि गालियां बहुत ज्यादा आ रही है, बिकॉज गौरव भाई को एक्सपोज करने के बाद जो उनके फैंस हैं। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ, बस मेरा एक कंसर्न था, मुझे अच्छा नहीं लगता था हर बार जब भी इस तरह की वीडियो आती थी उनकी तरफ से, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी देखता था मुझे लगता था कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने बात अपनी रखी और मैं गालियाँ खा रहा हूँ, और अगर मैं गालियाँ डिजर्व करता हूँ तो अच्छी बात है, मुझे गालियाँ खानी चाहिए, नहीं डिजर्व करता हूँ तो ये बुरी बात है कि मुझे गालियाँ नहीं खानी चाहिए। डिसाइड आपको करना है, अपना दिमाग लगाओ, डिसाइड करो। और आज भी मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं मिलूंगा तो उनसे बहुत सारी बातें करूँगा कि कितने अच्छे लगते हैं उनके वीडियोज। हाँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, कमी देखी तो मैंने बोला, बात खत्म, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो वही दोस्तों, यहाँ पर तीसरी जो न्यूज है वो है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, सब टीवी, सोनी टीवी, सारे ही जो पॉपुलर सीरियल के चैनल्स हैं, 100-120 मिलियन से भी ज्यादा इनके सब्सक्राइबर्स हैं, हैक हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हैकर्स की जो हिम्मत है कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। छोटे मोटे चैनल तो समझ में आता था, बट भैया सीधा सोनी टीवी और सब टीवी पे इस बार हाथ डाला है, चैनल हैक हो गए हैं, जिसके बाद यूट्यूब ने कर दिया है इनको टर्मिनेट। बहुत ही शॉकिंग न्यूज, आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताएं इस बात पर कमेंट सेक्शन में। तो वहीं दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है ज्ञान गेमिंग को लेकर। दरअसल ज्ञान गेमिंग की एक वीडियो में, एक स्टोरी में उनके साथ एक लड़की दिखी थी गाड़ी में, और जिसके बाद हर कोई कहने लगा ये भाभी है, भाभी है। तो यहाँ पर ज्ञान गेमिंग ने जस्टिफाई करा था, नहीं भाई ये भाभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं दोनों वीडियो और फिर बताइए कि आपको लगता है कि ये भाभी है या फिर ज्ञान गेमिंग कह रहे हैं सही। पावर रेंजर ज्ञान भाई, आज मैं भाभी को देख लिया, वो भाभी नहीं है ब्रो, दोस्त भाव भाव है तुम लोग भाई, एक बस कुछ हो गया तो भाई मना देते हो यार, किसी भी लकड़ी का हमारे साथ देखो तो हमारा भाभी, सॉरी तुम्हारा भाभी हमारा वो। अच्छा तो दोस्तों, इसके बाद जो अगली न्यूज आ रही है वो है बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल, यानी कि लोगन पॉल और फ्लॉयड मेवेदर की लड़ाई। काफी समय से हम सुन रहे हैं कि एक बॉक्सिंग का बादशाह है तो दूसरा यूट्यूबर है, और दोनों ही आपस में भिड़ने वाले हैं। सो फाइनली लड़ाई जो है स्ट्रीम हो गई है, लेकिन दोस्तों क्योंकि एग्जीबिशन मैच था, मिलियन ऑफ मिलियंस यहाँ पर कमा लिए हैं, चैनल वगैरह ने दोनों के मैच की एग्जीबिशन लगा कर, कोई भी विनर डिक्लेयर नहीं हुआ। हालांकि दोनों ने काफी अच्छी फाइट दी एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो मजा नहीं है। बाकी अगर आपने स्ट्रीम देखी तो बताएं कैसी, और नहीं देखी तो चलिए दिखाती हूँ आपको एक छोटी सी झलक। सो वही दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो रिमोरा व्लॉग्स में। जी हाँ दोस्तों, बेबी क्वीन को लेकर है, जिन्होंने हाल ही में एक नई वीडियो डाली, और वीडियो कसम से बहुत ही ज्यादा तबाही वाली, नंबर 3 ट्रेंडिंग पे चल ही रही है, और हंस हंस के
मतलब वीडियो देख देख के हंस हंस के पेट में लिटरली दर्द हो गया। सो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज द वर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर, और ऑप्शन में थे आशीन चंचलानी, अमित बढ़ाना और भुवन बैम, जिसमें दोनों ही भाई गए चकरा। तो आपने वीडियो देखी, आपको कैसी लगी? मुझे तो काफी ज्यादा मजेदार लगी। और आपको क्या कहना है फेवरेट और वर्स्ट यूट्यूबर पे, कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए देखते हैं वीडियो की एक छोटी सी झलकी। सिर्फ इतने से दूर है, सिर्फ इतने से दूर है, एक मिलियन होने में बस। इतने भी दूर नहीं थी मेरे ना एक मिलियन हो। यार मैंने तो गिव अप कर दिया। देखो मैं हार गया, बताओ क्या करना है। संजय अभी ये इतने भी दूर नहीं, आगे के सबसे बताओ 550K। अरे मैंने जब अभी देखे थे तो 900। ओके सो फैमिली, आज फिर से आ गए एक नया गिफ्ट देने के लिए। क्या मिल रहा है आज? मिल रहा है हमें आईफोन प्रो मैक्स 128। यार देखो इस बार आपको या तो बोलना है या तो पे करना है। बोलने से पे करना है, ले आओ पैसे। ऐसा पे नहीं। यार देखो आज वो चीज होने वाली है कि जिसकी वजह से ब्रो आपको सब ना जज करेंगे। ओ मैं उसमें जा रहा हूं। वो कौन सा शो है? सुपर डांसर, उसमें सब लोग जज ही करते हैं। अरे वैसे यार मैं संजय को दोनों को क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने उस चीज का जवाब दे दिया तो मतलब आप बच गए, अगर नहीं दिया तो यू नीड टू पे फॉर इट। कट दो पैसे अभी, पे दो। अरे पैसे नहीं, मतलब दूसरी जो चीज सामने होगी वो खाके खाके पे करना है। और यार पे करना, वो खाने वाली ऐसी चीज है कि आपको पे ही करना होगा, पनिशमेंट टाइप से। यार क्या कह रही हो, पे खाके पे करना पड़ेगा? पे नहीं करना, पैसे नहीं देने। पैसे नहीं तो फिर पे क्या करना है? यार पे लाइक यू नीड टू पे इट। यार शुरू करो यार। तो वही दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है AS गेमिंग को लेकर। दरअसल AS गेमिंग कल अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक्सपोज कर दिया TSG जैश को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने एक्सपोज करते हुए पूरी एक वीडियो वगैरह दिखाई है और कुछ व्हाट्सएप की चैट भी यहाँ पे उन्होंने फोटोज भी रिवील करी है। तो चलिए देखते हैं वो। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पूरा जो भी फाइट वगैरह का सीन है फ्रेंडली है। ओके ब्रो, ये चोरी कर रहा था साला, और इसने यहाँ पर मैसेज डिलीट कर दिया। जयेश भाई इससे मैंने कुछ बात की, फिर मैंने लिखा चोरी कर रहा है, और उसके बाद इसने चोरी कर रहा है लिखते ही मैं रुक एक्सपोज करता हूँ। देखो मैंने लिखा था रुक एक्सपोज करता हूँ, इसने उसी वक्त उस फोटो को डिलीट कर दिया। लेकिन ये भूल गया था कि हम बहुत ही खतरनाक वाले जासूस है, तो हमने वो फोटो को पहले ही सेव कर लिया था। इसने अनसेंड किया मैसेज को, आप लोग देख सकते हो अनसेंड किया है। उसके बाद इसने लिखा है अपशब्द का इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसने लिखा चुप शॉपिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने हाँ हाँ लिखा, स्टिकर भेजा, उसके बाद मैंने ये फोटो भेजा। ये फोटो देख सकते हो तुम लोग। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से AS गेमिंग ने कर दी एक्सपोज, लेकिन ये पूरा एक्सपोजर था एक मजाक, क्योंकि दोनों हैं काफी अच्छे फ्रेंड्स। तो वही दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है और आज की लास्ट न्यूज है वो है UK राइडर्स 07। जी हाँ दोस्तों, 700K सब्सक्राइबर्स यानी कि 7 लाख सब्सक्राइबर्स चैनल पे हो गए कंप्लीट, जिसको लेकर स्पेशल सेलिब्रेशन व्लॉग डाला, और यहाँ पर उनके माता पिता दोनों ने ही व्लॉग रिकॉर्ड किया है, जिसको काफी ज्यादा अच्छा भी मानने लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं व्लॉग की एक छोटी सी झलकी। तो नमस्ते जी गाइस, 700 सब्सक्राइबर स्पेशल अब तक का सबसे स्पेशल सेलिब्रेट हुआ है। हम लोग हर माइलस्टोन पे सेलिब्रेट करते हैं, बट इस टाइम मेरे घर वालों ने जो सीन मचाया ना वो अलग लेवल पे थे। पापा मम्मी ने व्लॉग करा है, एंड यू विल बी लाइक बहुत हैप्पी सीइंग देम टुगेदर, एंड दे डिड अ लॉट फॉर मी। मैं बता भी नहीं सकता हूँ लाइक जब माँ बाप आपके लिए करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। व्लॉग जल्दी आ रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू टू यू टू इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए। दोस्तों ये थी मेरी कुछ आज की न्यूज। अगर आपको मेरी कोई भी न्यूज अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करने में कंजूसी ना करें। साथ साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए अगर अभी तक नहीं कराए तो भाई देर किस बात की, अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब।